मध्य प्रदेश के जीवनदायिनी माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और भक्ति भाव की एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही वजह है कि न सिर्फ आम श्रद्धालु बल्कि समय समय पर साधु संत भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। इसी कड़ी में अब डिजिटल बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्वामी राम शंकर बिना कोई लाभ लश्कर के नर्मदा माता की परिक्रमा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान न सिर्फ श्रद्धालुओं से नदी को प्रदूषण मुक्त की अपील कर रहे हैं बल्कि स्कूल विद्यार्थियों से भी संवाद कर उन्हें सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। मां जल बाबा बनने तक के सफर को लेकर हमें कुक्षी सहयोगी उपेंद्र कुमावत ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने समाज हित में बेबाकी से अपनी राय स्पष्ट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नर्मदा किनारे डूबे तीर्थ स्थलों का पुनः निर्माण करने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री राम शंकर जी, जो कि डिजिटल बाबा के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने, और अभी वर्तमान में ये नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। आज हमारे बीच में हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे नर्मदा परिक्रमा में इनका क्या उद्देश्य है और इनके क्या अनुभव रहे हैं यात्रा में। प्रणाम, नर्मदे हर सीताराम। परिक्रमा में तो सब साधक का और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने आप को कितना और अधिक आध्यात्मिक बनाएं, जो ईश्वर कृपा है उसका अनुभव करें, संघर्षों से चुनौतियों से लड़ करके इस पूरे परिक्रमा को सफल करें। लेकिन परिक्रमा करने से पहले ही एक हमारे मन में भाव था कि जो परिक्रमा वासी जन की सेवा करने वाले लोग हैं, समूह हैं, संस्था है, देवालय है, कहीं 5 लोग मिलके, कहीं 10 लोग मिलके, कहीं 1-2 लोग मिलके, कहीं कोई व्यक्तिगत परिक्रमावासी की सेवा लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उनके किस्से कहानियों को, उनके प्रयासों को समाज के सामने प्रस्तुत करूं, समाज को बताऊं, और ये कार्य करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि परिक्रमा तो सालों से लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन जिनके घर में रात बिताए, जिनके बनाए भोजन किए, व्यक्तिगत तौर पर उनका जिक्र कहीं गाहे बगाहे लोगों ने किया, किसी बड़े मंच पर एक बड़ी कोशिश में परिक्रमावासी की सेवा करने वाले लोगों की जो कोशिश है, जो उनका साहस है, उसको मेंशन करते हुए देखा नहीं गया। तो हम पूरे परिक्रमा में जिस तरफ से गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम पहुँच पा रहे हैं, उनकी कहानियों को, उनके प्रयासों को, उनके जन समूह के प्रयासों को सबके सामने साझा करें। और दूसरा जो अनुभव है, वो अनुभव क्या मिला मुझे परिक्रमा से, मैंने अपनी आँखों से अपने जीवन में पहली बार मानवता को जीवित देखा है, जिसका कोई संबंध नहीं है परिक्रमावासी से। उसकी सेवा में लगातार मध्य प्रदेश के लोग, कुछ हिस्से में महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के कुछ हिस्से जो परिक्रमा में आते हैं वहाँ के लोग सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, तो वो मानवता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत कम जगह ये मानवता का दर्शन आपको दिखाई दे रहा है आजकल। चूँकि सरदार सरोवर की डूब के कारण बहुत बड़ा एक हिस्सा दोनों तटों का जी डूबा हुआ है, तो यात्रा में इन सभी चीज़ों को लेकर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? आपके साथ कई नर्मदा परिक्रमावासी और भी पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, राय रखें। अब परेशानी तो कहना उचित नहीं होगा, सच्ची बात है, ये एक साधना है, तपस्या है, इस चीज़ को हम खुद चुन करके इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बस एक कसक रह जाती है, दुख होता है कि जो मैया के किनारे किनारे चलने का अनुभव है सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से, वो अनुभव अब मतलब हमेशा निरंतर नहीं मिल पाते। हम एक घाट पर चलते हैं 5 किलोमीटर, तब तक एक बड़ा सा कटान होता है। अगर आपको घाट पर चलना है तो ऐसे कई कटानों का सामना करना पड़ेगा, आपको 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। अच्छा, ये साहस कर भी लें तो वो इतना रिस्की रहता है कि थोड़ा सा संतुलन बिगड़े तो सीधे मैया की गोद में जाके गिरे कोई। हाँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, फिर भी कई जगह हमने घाट के किनारे चले और कुछ दुर्गम स्थल भी रहे, पर जैसा अभी के वर्तमान समय में एक रोड मैप बना हुआ है, सुरक्षित परिक्रमा का मार्ग, उस मार्ग से ही सब लोग परिक्रमा करें और हम भी कर रहे हैं। बस एक ही कसक है कि वो डूब में इतना अधिक वो हिस्सा आ गया है कि पुराना जो मार्ग है वो सब अब तरह से जल के भीतर है, तो उस मार्ग से चला नहीं जा सकता।
एक बात और, स्वामी जी नर्मदा किनारे जितने भी देवालय थे जी, घाट थे, वो आज डूब की जद में है जी। और सरदार सरोवर डूब का पानी 2017 से लेकर अभी तक भरा हुआ है और कम पानी होता है, कभी देवालय खुल जाते हैं, लेकिन आप जो परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, आपका क्या अनुभव है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा इन देवालयों का ना तो निर्माण किया गया है ना दूसरी जगह विस्थापित किया गया है? हाँ, इस मामले में हम ये कहना चाहेंगे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी जो छवि बहुत अच्छी है, हमने हमेशा आपको अखबारों में समाचारों में देखा है कि सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए आप अपना जो योगदान है वो बेहतर करते हैं, खबरों में देखा है। वास्तविक धरातल पर भी आप कुछ अच्छा करिए, जो डूब क्षेत्र में प्रभावित तीर्थस्थल हैं, देवालय हैं, वहाँ पूजन अर्चन नहीं हो पा रहा है, तो उनका उनका एक दूसरी स्थान पर सरकारी तंत्र से निर्माण कार्य कराना ये आपका कर्तव्य बनता है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे, अब तो आप ही आज हमारे राजा हैं महाराजा हैं, तो आप ख्याल रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जनता की भावनाओं का सम्मान होगा और सब लोग आपसे खुश रहेंगे, आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सच में ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है कि लगातार कई वर्षों से आप मध्य प्रदेश की इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें मुख्यमंत्री के रूप में। पहले के ज़माने में राजा महाराजा प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे, अब तो आप ही आज हमारे राजा हैं महाराजा हैं, तो आप ख्याल रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जनता की भावनाओं का सम्मान होगा और सब लोग आपसे खुश रहेंगे, आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सच में ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है कि लगातार कई वर्षों से आप मध्य प्रदेश की इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें मुख्यमंत्री के रूप में। तो आपसे बस निवेदन है कि आप इन विषयों पर ध्यान दीजिए, कोई शिकायत नहीं है, आप ही से निवेदन कर सकते हैं और आप ही से उम्मीद भी कर सकते हैं। आपके जो लोग हैं सोशल मीडिया पर लगातार पैनी नज़र बनाए रखते हैं, वो लोग आपके संज्ञान में इन विषयों को लाएं और इन विषयों पर सक्रिय ढंग से तात्कालिक प्रभाव से आप अपना ठोस कदम उठा के कार्यवाही करना आरम्भ करें, ताकि जैसे आप बता रहे कोटेश्वर में जो घाट है वो वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, पुराना घाट जल में डूब गया है, स्नान करने की बड़ी दिक्कत आती है, तमाम श्रद्धालु आते हैं और अस्त व्यस्त हाल घाट का है, साफ सफाई नहीं है, अभी घाट ही नहीं है मतलब। वर्तमान में जहाँ तक हमारी जानकारी में है, वर्तमान में पानी जहाँ है वहाँ इतनी गंदगी में हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये धार्मिक जो केंद्र हैं उन केंद्रों का संरक्षण, संवर्धन, जीर्णोद्धार, निर्माण कार्य कम से कम शिवराज जी से ये जिम्मेदारी निभाने की हम उम्मीद करते हैं और आप निभाएंगे, बस निवेदन है, और आप इस दायित्व में अपना सही किरदार निभाएं, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे चैनल के लिए जो समय दिया है। मैं अपनी तरफ से एक धन्यवाद पूरे मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ, जो नर्मदा मैया की परिक्रमा में आने वाले परिक्रमावासी की निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। एक निवेदन अपनी ओर से कर रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आप तक हमारी बात पहुँचे, ये ना संसाधनहीन होने पर भी दूर देश से आए श्रद्धालु जन की सेवा करने में मध्य प्रदेश के लोग तनिक भी पीछे नहीं हटते हैं, अपने कमाई का हिस्सा अपने लिए कम परिक्रमावासियों की सेवा में अधिक खर्च करते हैं। एक काम आप भी कर दीजिए, निशुल्क अगर देने की क्षमता नहीं है आपके सरकार में, तो कम से कम सरकारी मूल्य जो राशन का होता है उस सरकारी मूल्य पर एक विधेयक पास करके या एक नीति बना करके कि जो परिक्रमावासी जन की सेवा करने वाले विश्वसनीय संस्थान हैं, उन संस्थानों को यह अधिकार दिया जाता है कि कोटेदार से वो सरकारी सस्ते मूल्य पर गेहूं, चावल, दाल ये सब प्राप्त कर सकते हैं। सच में आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, हम आशीर्वाद ही जानते हैं, उसी के फल से सब कुछ जीवन में चलता है, तो लोगों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा सब मिलेगी।
आप एक ये प्रावधान बना दीजिए, और अगर कुछ और कर सकते हैं तो जहाँ जहाँ संभव हो सके सरकार की ओर से एक स्नानागार, शौचालय, एक विश्राम गृह, और उस सब स्थान का जिम्मेदारी गांव के किसी व्यक्ति को दे दिया जाए और वो उस प्रकल्प को चलाता रहे। आपने कुछ नहीं किया है सरकार की तरफ से, तब भी लोग सेवा कर रहे हैं, अब थोड़ा कुछ कर देंगे तो उनकी सेवा में थोड़ा संबल मिलेगा और उन्हें प्रेरणा। आपको बता दें कि डिजिटल बाबा स्वामी रामशंकर के सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोवर्स हैं, जो प्रतिदिन स्वामी जी की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं। कुक्षी से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।